Hello friends, welcome to all in Banik Smart Class. You know, one thing that I want to say, and remember, change your thought and you will change your life. You know, nothing is impossible in this world. Everything is possible. We just need a little bit innovations. We just need to change our thought. इसका मतलब इस दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है, हर चीज संभव है, हर चीज हम कर सकते हैं अगर थोड़ा सा क्या करें ना, इनोवेशन लाए, है ना, और थोड़ा सा अपना सोच में बदलाव लाए। ऐसा ही आज मैं आपके एक नए सोच के साथ आपको कुछ डिमांडिंग जो है कि क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू ए शॉर्ट ट्रिक्स बाई यूजिंग which we can solve what? One of the most demanding topic question, that is odd sentence out. Hana? So why I said it is what? Most demanding, because इस टॉपिक से जो होता है आपको क्वेश्चन प्रीलिम और मेन एग्जामिनेशन में आपको मिलेगा, एक नहीं दो नहीं, कुल मिला के 5 mark क्वेश्चन आपको मिलेगा, है ना। ये तो है मुश्किल, डिफिकल्ट है, सबको लगता है। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी यूट्यूब चैनल हो, कहीं भी जितने भी फैकल्टी पढ़ा रहे, एवरीवन सेज दैट टू सॉल्व ऑड सेंटेंस आउट इज टू डिफिकल्ट, ये ज्यादा डिफिकल्ट, क्योंकि हम लोग को सॉल्व करने को से हम क्या होना चाहिए, कंप्रीहेंड पावर होना चाहिए, मतलब उसको समझने की एबिलिटी होना चाहिए, और उसके साथ साथ हमें वोकैब्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। लेकिन मैं आपको उनका जो सोच है उस सोच को गलत साबित कर, ठीक है, और एक नया सोच के साथ क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा और आपका लाइफ टाइम के लिए 5 marks पक्का करा। सो गाइस गेट रेडी, लेट्स सी। बस 3 बात को मेरे अच्छे से याद रखना, ठीक है, 3 steps which can change your life, और आपका 5 mark पक्का कर सकता है, ठीक है। तो तैयार है, बस ये 3 point अच्छे से सुने। तो क्या है odd sentence out, ये होता क्या है ना? odd sentence out means 5 sentence दिया जाता है, है ना, और 5 में से 4 sentence का जो कंटेंट जो है सेम रहता है, लेकिन एक सेंटेंस जिसका कंटेंट थोड़ा अलग या डिफरेंट रहता है, और जिस सेंटेंस का जो कंटेंट व आइडिया डिफरेंट रहता है वो क्या है, ऑड सेंटेंस हो गया, ठीक है, एक क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं जैसे कहा ना, अगर आपको कुछ करना है तो लाइफ में कुछ बनना है तो आपका सोच बदलना पड़ेगा, है ना। इसीलिए मैं कहता हूं एक चीज और भी, एक चीज कहता हूं बार बार, हर बार ये मेरा लाइफ का जो कैशुअल है वो कहता हूं कि इफ यू वांट टू गेट सक्सेस इन लाइफ फॉरमिंग दैट यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ अ टाइम। अगर आपको जीवन में सफलता पाना है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो आपको समय के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट हो, अगर हमारी सोच थोड़ा नया हो, है ना, थोड़ा अलग हो, हटके हो, तो फिर हम अलग दिखेंगे, अलग से बैठेंगे, है ना। बिल्कुल एक नया सोच आपको बताऊंगा जो आपका इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल बना सकता। 3 steps है आपके जीवन में कैसे बदलाव ला रहे हैं, देखते हैं, लेट्स सी। पहला स्टेप जो करना क्या है ऑड सेंटेंस आउट में, 5 sentence दिया गया है तो आपको देखना है जो 5 में से सब्जेक्ट सेम है कि नहीं, ठीक है, क्या चेक करना है, सब्जेक्ट सेम है कि नहीं, है ना। तो क्या होगा ना, 4 sentence में सब्जेक्ट जो है सेम रहेगा, लेकिन 1 sentence में सब्जेक्ट जो क्या होगा, अलग होगा, और जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग है वो क्या हो जाएगा, ऑड सेंटेंस है, क्योंकि उस सेंटेंस को 4 sentence से कोई लिंक नहीं रहेगा, वो 4 sentence सब्जेक्ट एक है, 1 sentence सब्जेक्ट अलग है।
स्टेप वन ये गया, बस पहले इस रूल को अप्लाई करना, इससे आप 40 to 50% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। स्टेप टू क्या है, ना सब्जेक्ट सेम बट आइडिया डिफरेंट। इसका मतलब क्या है, ना पांच सेंटेंस में से पांच सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है सेम है, मतलब जो पांच सेंटेंस में दिया है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बोला गया है, ठीक है, लेकिन चार सेंटेंस में इसका पॉजिटिव इंपैक्ट बोला गया है, लेकिन एक सेंटेंस जो है नेगेटिव चीज के बारे में बोला गया, तो मतलब आइडिया डिफरेंट हो गया। चार में से आइडिया, चार सेंटेंस में आइडिया पॉजिटिव है, लेकिन एक सेंटेंस आइडिया जो है नेगेटिव, जो अलग हो गया, क्या हो गया, वो और सेंटेंस हो गया। समझ में आया, क्लियर है, ओके। तो इस स्टेप से भी आपको 30 to 40% क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा, ठीक। अगर ये दोनों फॉर्मेट सॉल्व नहीं होता है तो फिर आप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप अप्लाई करेंगे। थर्ड स्टेप क्या है ना, चेक द सीक्वेंस, चेक द फ्लो ऑफ द पैराग्राफ, पैराग्राफ का फ्लो चेक करना, सीक्वेंस चेक करना। तो यहां पर आप लोग क्या कर सकते हैं, तो आप पैराजंबल प्रोसेस में जा सकते हैं। तो पांच में से पांच सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम होगा, आइडिया सेम होगा, लेकिन जो कहीं पे तो ऑर्डर का अरेंज करेंगे तो कहीं पे फ्लो ब्रेक होगा, सीक्वेंस ब्रेक होगा, और जो सेंटेंस क्या होगा ना, सेंटेंस के एंड में रह जाएगा, तो फिर क्या होगा, ये हो जाएगा ऑड सेंटेंस आउट। बिल्कुल अगर इस फॉर्मेट में रहता है, आपको पैराजंबल जैसे सॉल्व करते उस प्रोसेस में आपको सॉल्व करना है। देखते हैं ये जो तीन स्टेप मैंने बताया, इन तीन स्टेप को लेकर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये जो हमारे जो ट्रिक्स कुछ बताया है ना, तो आपके लाइफ में परिवर्तन ला रहा है कि नहीं, और आपका जो है 5 marks कंफर्म कर रहा है कि नहीं, है ना। और जैसे मैंने कहा है बिल्कुल ऐसा ही आपको समझाऊंगा, और वो बात आपको याद है, मैं बार बार हमेशा के लिए कहता हूं, जो मैं बोलता हूं वो करता हूं, जो कुछ जैसे भी कहता हूं, जो भी रूल्स यूज करता हूं, बोलता हूं क्लासेस में, और हर बार उस प्रोसेस को सॉल्व करता हूं और जिंदगी भर भी करता रहूंगा, ये मेरा वादा आप सबके लिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंड। अब क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपके सामने है, और आपके सामने सॉल्व कराऊंगा, है ना। देखिए हियर, लेट्स सी, यू कैन रीड द डायरेक्शन, ए नंबर ऑफ सेंटेंसेस आर गिवन बिलो व्हिच व्हेन प्रॉपरली सीक्वेंस्ड फॉर्म ए कोहेरेंट पैराग्राफ। 4 sentences आर लॉजिकली कनेक्टेड, 1 sentence इज आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, फाइंड द ऑड सेंटेंस। मतलब पांच सेंटेंस, चार सेंटेंस जो है लॉजिकली कनेक्टेड और एक सेंटेंस जो है अलग है, जो अलग है वो क्या है, ऑड हो गया, वो आंसर है। लेट्स सी, तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या कहा, बोला था कि देखेंगे सब्जेक्ट सेम है या नहीं। देखिए ए बी सी डी 5 sentences, 5 sentences, पहला ए सेंटेंस, चलिए समय ना बिताते हुए देखिए, मैं बार बार कहता जितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना उतना ही इंपोर्टेंट क्या है ना, टाइम सेव करना कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो दो चीज हमको डेवलप करना, एक है एक्यूरेसी, दूसरा क्या है टाइम, और उस चीज के लिए क्या चाहिए, एक नया सोच, नया आइडिया, ट्रिक्स चाहिए, टिप्स नहीं, है ना। लेट्स सी, इकोनॉमिस्ट ये सब्जेक्ट है, बी में देखते हैं सब्जेक्ट सेम है नहीं है। दे लव टू ड्रीम, दे मतलब कौन है, इकोनॉमिस्ट, मतलब दोनों के बीच में सब्जेक्ट सेम है, ठीक है, श्योर। नंबर थ्री को चलते हैं, टिपिकल इकोनॉमिस्ट, ये भी सब्जेक्ट सेम है। हिज सॉल्यूशन, हिज मतलब किसके लिए लगा, टिपिकल इकोनॉमिस्ट, मतलब चारों में से सब्जेक्ट सेम है, लेकिन फिफ्थ किसके बारे में कह रहे हैं कि इकोनॉमिस्ट के बारे में, लेकिन फिफ्थ में सेंटेंस में बोला गया एन इंसेंटिव गिवन टू ऑल द एम्प्लॉय, इंसेंटिव दिया गया है सभी इंप्लॉयज को, तो ये सब्जेक्ट जो है अलग हो गया, तो फिर और वन क्या हो गया, आंसर क्या हो गया, क्या आपको पैराग्राफ समझने की आवश्यकता पड़ा, क्या इनमें से कुछ वर्ड अगर आपको मीनिंग नहीं पता है कुछ प्रॉब्लम हुआ, बिल्कुल नहीं। और इससे दो फायदा हुआ, हमारा कॉन्फिडेंस आया, उसके साथ साथ क्या है, हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गया विदाउट वेस्टिंग द टाइम। लेट्स सी, और भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपके सामने प्रूफ करूंगा जो कुछ मैंने कहा उससे हो पा रहा है कि नहीं। लेट्स सी, और एक क्वेश्चन है, पढ़िए, सेम यहां पे 5 sentences दिया गया है, तो पहला स्टेप अप्लाई करेंगे, सब्जेक्ट सेम या नहीं, देखिए कुछ भी छोड़िए, तो ऑप्शन ए पढ़िए, लाइक द प्रोवर्बियल बटरफ्लाई दैट फ्लैप्स इट्स विंग ऑन द वन मोर कॉन्टिनेंट एंड इवेंचुअली कॉज हरिकेन ऑन अनदर, नॉर्मा मार्कोवे। सो ये एक सब्जेक्ट है, ठीक है, एक लेडी के बारे में बोल रहे हैं, तो ऑप्शन बी देखिए, सी, सी मतलब कौन है, सेम पर्सन, नॉर्मा मार्कोवे, तो सब्जेक्ट सेम है।
तीसरा में चले इट हैड टेकन द सेम पंप सेम नेम, यहाँ सी में भी है, आपको मीनिंग समझने की आवश्यकता नहीं। और डी में चले ऑल सी, सी मतलब वही लेडी है, सेम है, है ना। तो चार में सब्जेक्ट सेम है। लेकिन फिफ्थ में चलिए देयर वाज अनदर फैक्ट मीनवाइल व्हिच हैड ग्रेटली कंट्रीब्यूट टू द मैसिव क्राइम ड्रॉप, लेकिन ई में कह रहा है मैसिव क्राइम जो ड्रॉप हुआ है 1990s में, तो ये जो है सब्जेक्ट अलग हो गया। और चारों में से सब्जेक्ट जो है कि अलग कह रहा है वहां पे, लेकिन इसमें सब्जेक्ट क्या है अलग हो गया। तो आंसर फिर और वन सेंटेंस कौन हो गया, ये हो गया आंसर, क्या है ये, काम खत्म, क्लियर है। ओके, समय लगा नहीं ना, फिर देखते हैं आगे भी और भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। तीसरा क्वेश्चन है, पढ़िए। फियर इज ए ड्रेडफुल थिंग, सब्जेक्ट कौन है, फियर है, ठीक है। इट डार्केन्स, नेगेटिव कहा जा रहा है तो आइडिया, तो इट डार्केन्स, तो देखिए इट किसके लिए, फियर के लिए। वी आर आस्किंग वेदर मैन कैन एवर फ्री फ्रॉम दिस टेरिबल बर्डन, टेरिबल बर्डन मतलब कौन है, वो फियर है, इसमें भी सब्जेक्ट सेम है। शो ऑप्शन डी कॉरेजियस पीपल आर वेरी कंटेंट, लेकिन ये सब्जेक्ट अलग हो गया, चार वन ए बी सी डी ई सब चार, तीन चारों सेंटेंस है सब्जेक्ट जो फियर के बारे में बोल रहा है, तो फियर रहने पर क्या प्रॉब्लम होता है, लेकिन इसमें क्या कॉरेजियस पीपल के बारे में बोल रहा है, तो ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट और आइडिया डिफरेंट हो गया, उस वजह से और सेंटेंस क्या हो गया, डी, क्लियर है, कंफर्म है। ओके, देखा आसान हो रहा है ना, वक्त लग रहा है, समय लग रहा है, बिल्कुल नहीं लगे, क्योंकि हमारा जो रूल्स है वो पक्का है, पक्का है, तो मार्क भी पक्का आएगा। लेट्स सी, आगे देखते हैं और एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे आपके सामने। लेट्स सी, थोड़ा सा चेंजेस किया इस क्वेश्चन को, देखिए कोहल सेज, एक कोहल सब्जेक्ट नाउन है, ठीक है। सी हैज ऑलवेज बेस्ट ट्रैवल एक्सपीरियंस एंड देयर आर स्टोरीज द मीडिया सोशल मीडिया ऑफ द नोट बीइंग लेफ्ट फ्लाइट एंड कंप्लेन बीइंग मेड, इसमें भी वो सब्जेक्ट सेम चल रहा है। कोहल्स डॉक्टर मदर इंजीनियर फादर, इसमें भी सब्जेक्ट सेम चल रहा है। गो गो एयर बजट एयरलाइंस, इसमें भी सब्जेक्ट सेम है। दिस फैमिली सपोर्ट हैज हेल्प हर एक्सेल, इसमें भी उन्हीं के बारे में बोल रहा है, तो सब्जेक्ट सेम है ना, सब्जेक्ट सेम है, तो सेकेंड देखेंगे आइडिया सेम है कि नहीं, ठीक है। तो आइडिया भी एक टॉपिक से रिलेटेड है ना, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो थर्ड चलेंगे क्या है ना, अगर आइडिया से काम नहीं आता फिर चार चढ़ेंगे सीक्वेंस चेंज के, तो उसको पैराजंबल प्रोसेस में जा सकते हैं। देखिए पहला सेंटेंस क्या लेंगे, कोहल्स डॉक्टर मदर इंजीनियर फादर टॉट हर एंड हर सिस्टर दैट दे वेरंट एनी डिफरेंट, और दूसरे लोगों से अलग नहीं है, है ना, वो सब कुछ कर सकते हैं जो दूसरे लोग कर रहे हैं। तो सी आएगा पहला सेंटेंस, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा कि दिस फैमिली सपोर्ट, ये जो फैमिली सपोर्ट उनको मिल रहा है हेल्प और एक्सेल, बट मेनी वोमेन, बहुत सारे वोमेन लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेडिशनली मेन डोमिनेटेड प्रोफेशन में एंटर कर रहे हैं, है ना, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, प्रोफेशन इंडिया एनकाउंटर मोर ऑब्स्टैकल, और ज्यादातर ऑब्स्टैकल फेस कर रहे हैं। तो मतलब ये सभी सेंटेंस में आइडिया क्या चल रहा है, प्रोफेशन के बारे में। हाउ द वोमेन फेस व्हाट problems, difficulties, obstacles when they enter in what? Male dominated professions. तो A option बचा A, B, C. तो इसमें B और C में क्या कह रहा है, वही क्या क्या problem face कर रहे हैं, special the women whenever they enter in male dominated. लेकिन option A में कह रहा है all says she has always had best travel experience, मतलब ये idea अलग हो गया। ये चार sentence में profession को लेके कह रहा है, how the women enter in face the problem when they enter in what male dominated profession, but option A says क्या है ना, travel experience की बात कर रहा है, तो फिर odd one क्या हो जाएगा, A है, तो answer फिर क्या है, A, clear, confirm, हो गया, sure है। और एक question आपको बताऊंगा, last question है, देखिए लेट्स सी, बिल्कुल सेम अप्रोच सेम तरीका में जाना है, पढ़िए, थोड़ा क्रिटिकल लेवल बढ़ा रहा हूं, बट एनीवन हु हैज वर्कड एन प्रोफेशनल, तो फर्स्ट में क्या है सब्जेक्ट प्रोफेशनल की बात कर रहा है। बी इन फेमस टेरर अटैक, मतलब ए इसमें टेरर अटैक की बात कर रहा है लेकिन इसमें प्रोफेशनल की बात कर रहे हैं, मतलब ए और बी में जो है सब्जेक्ट जो है अलग है, इसका मतलब श्योर हो गया कि इन दोनों में से कोई ऑड सेंटेंस है, क्योंकि ए का बी से कोई लिंक नहीं है, श्योर है।
तो श्योर हो गए कि ये दो सेंटेंस में कोई और सेंटेंस है, तो हमारे पास बचा क्या, तीन ऑप्शन है। अगर मान लिया हम सी को चलेंगे, सी अगर ए से मैच हो जाता है, सब्जेक्ट सेम हो जाता है, इसका मतलब ऑड वन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर मान लो बी से मैच हो जाता है, फिर ऑड वन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सी में पढ़िए, इन द कलेक्टिव इमेजिनेशन देयर आर टू यूरोप्स, द इंडस्ट्रियस नॉर्थ, इंडस्ट्रियल नॉर्थ, अनएम्प्लॉयमेंट, ए सभी चीज का लिंक किससे, ए से ना बी से, बिल्कुल ए से है, प्रोफेशनल से है, वर्क से है, तो इनफेमस टेरर अटैक से नहीं है, तो अलग कौन सा हो गया, बी हो गया। तो ऑड सेंटेंस कौन है, कंटेंट से बाहर कौन है, बी है, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्लियर, कंफर्म, आया मजा, ठीक है, तो सबको समझ में आया। देखे चुटकी में हम लोग क्या किए, ना ऑड सेंटेंस आउट को ना पढ़ के ना समझ के हम लोग सॉल्व करके देख लिया, ठीक है। और ऐसे कहा जैसे जैसे भी मैंने कहा, बिल्कुल आप लोगों की उसी को सेम चीज को आप फॉलो करें और लाइफ में जैसे आपको सफलता मिलेगा। ओके, टेक केयर, सी यू, बाय बाय, थैंक यू।